खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। गरीबों की झोपड़ी में बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला अमरपाटन के लालपुर स्थित नेशनल हाईवे के किनारे का है, जहां कुछ गरीब झोपड़ी और गुमटी रखकर अपने परिवार का गुजर बसर पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। रीवा के एक प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि यह जमीन खरीद ली है, जिसके चलते जेसीबी लाकर दबंगई के बल पर गरीबों की झोपड़ी में बुलडोजर चलवा दिया। दुकान संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया था कि दुकान खाली करना है। इसके बावजूद हम लोगों की दुकान को सीधे जेसीबी से तोड़ दिया गया है। अमरपाटन के लालपुर निवासी दुकान संचालक वसीम अक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा की एक पार्टी है जो यहाँ जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, जो कि इनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और यह लोग दुकान खाली करने के लिए बोल रहे थे। ना प्रशासन की तरफ से, ना थाने की तरफ से, ना इनकी तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया और हमारी गैर मौजूदगी में दुकान गिरा दी गई है, जिसमें हमारा काफी नुकसान हुआ है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर कार्यवाही हो। दूसरे दुकान संचालक संतोष चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं यहाँ 20 साल से दुकान संचालित कर रहा हूँ। कोई रीवा की पार्टी है जो यह जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, हमें कल जानकारी मिली थी तो मैं दुकान खाली करने वाला था, लेकिन इन लोगों ने दबंगई के बल पर जेसीबी से दुकान गिरवा कर हमारा नुकसान करवा दिया। हमारे परिवार में हम सब कमाने वाले थे, अब हमारा परिवार रोड पे आ गया है। राम अवतार नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि हम 40 वर्षों से यहाँ पर दुकान रखकर सिलाई का काम कर रहे हैं। रीवा के दबंगों ने आकर हमारी दुकान जेसीबी से ध्वस्त करवा दी। इससे पहले उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी थी, नहीं तो हम खाली करवा लेते, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी है, उनका एग्रीमेंट हुआ नहीं है और ये जो है हमको 2-3 दिन से काफ़ी जो है प्रेशर डाल रहे हैं दुकान के खाली करने के लिए, है ना। और इसमें ना किसी तरीके से नोटिस है, ना प्रशासन की तरफ से, ना यहाँ थाने की तरफ से। अमरपाटन थाने में आप लोगों ने जानकारी दी थी? नहीं, उन्होंने किसी तरह की जानकारी नहीं दी कि हटानी है आज। और ये कितने समय हो गया ये? हम लोग तो नहीं थे, हमारे मौजूदगी में नहीं हुआ है। कितने कम से कम वो लोग 10-12 लोग थे। क्या क्या? और ये जेसीबी खड़ी भी है। क्या क्या नुकसान हुआ? ये सारी दुकानें ध्वस्त हो गई है, सामने है सब पड़ा हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है। हमारी दुकान 20 साल से सर जी यहाँ थी जी। लोगों के द्वारा गिराया गया? आज रीवा के आदमी लोग खरीद लिए हैं यहाँ की जमीन 60-65 लाख में। नोटिस दिए आपने? हमसे कल बताए थे, हमने उनसे कहा था कि हम आराम से निकाल लेंगे, कामों हम लगाए थे अब तीनों निकालने का, एकाएक यहाँ किनारे से सब ध्वस्त करवा दिए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारे 4 से बाल बच्चे इसी से पलते थे, मेरा भाई लांगल है, हैं पूरा परिवार, बाप भी नहीं है, महतारी भी नहीं, भाई भी ख़त्म हो गया, 4 आदमी ख़त्म हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी ठेला लगा के जीवन यापन करते थे यहीं पर। कौन सी दुकान थी आपकी? किसी हमारी वो शटर पड़ा है वहाँ, सब कुछ काट के वो। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष चौरसिया नाम है। मामला ये है कि ज़बरदस्ती जो है गोमती हटाते हैं और हम 40 साल से रखे हुए हैं। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरी सिलाई की दुकान है। आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला था? नोटिस कभी नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार नामदेव। ये कौन लोग है जो आप दुकान गिरा रहे हैं? ये रीवा के आदमी है। सतना से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।